हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज कुछ ऐसी देश के बारे में फिक्र करने वाले जो कि वहाँ पैसों पानी की तरह बहाते। दोस्तों, वहाँ के पीपल काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी खुश रहते हैं जो कि एवरीडे पार्टी रहती है। दोस्तों, उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर डिजिटली वर्ल्ड घूमना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। आज हम इंडिया से ट्रेवल करेंगे मलेशिया, जो कि हम अपने एयरपोर्ट से चल दिए हैं और मलेशिया की तरफ हमारी प्लेन जाने वाली है। तो दोस्तों, मलेशिया के धरातल पर हम उतर चुके। आज हम मलेशिया का हर एक काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो कि हमसे दूर कभी नहीं हो सकते। मलेशिया टूरिस्ट के लिए काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, तो मलेशिया देखने के बाद आपको और कभी घूमने का दिल नहीं करेगा। दोस्तों, इमारत की बात कर ली जाए तो लगता है कि बुर्ज खलीफा ही लेता है, जो कि मलेशिया का इमारत है। तो यहाँ के पीपल की बात कर लिया जाए तो यहाँ के पीपल आपको एवरीडे पार्टी करने को में देखने को मिलेगा, और यहाँ का पीपल आपको काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी खूबसूरत है। हमारे यहाँ तो 9 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग के काफ़ी शौक है। यहाँ के दोस्तों, यहाँ के पीपल काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा, जो कि मलेशिया का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, जो कि काफ़ी पावरफुल है। मलेशिया का क्षेत्रफल टोटल 329,845 किलोमीटर में है, जो कि एशिया में पड़ता है। दोस्तों, मलेशिया का टोटल जनसंख्या है 3,28,00,000, जो कि जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में काफ़ी कम नंबर पे आते हैं। दोस्तों, यहाँ के नाइट व्यू आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। मलेशिया का खास बात यह है दोस्तों, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लब देखने को मिलेगा, जो कि रात भर पार्टी मनाते हैं और रात भर खुशियाँ बांटते हैं। तो कानून व्यवस्था को बात कर लिया जाए तो मलेशिया में पार्टी करते समय अगर कोई गलत हरकत करते हो तो आपको वहाँ पर बड़ी बुरी तरीके सजा मिल जाती है। दोस्तों, मलेशिया का फूलों का शहर कहा जाए तो उससे कम नहीं है, क्योंकि मलेशिया इतना ही क्लीन है कि किसी का भी दिल जीत लेता है। मलेशिया काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल है दोस्तों, अगर हम एजुकेशन के बात कर लिया जाए, एजुकेशन काफ़ी कम पेटवल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पर एजुकेशन के मामला में सभी के सभी पढ़े लिखे मिलेंगे। दोस्तों, फ्लाइंग ओवर के बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, आप कहीं पर जा सकते आ सकते, एयरपोर्ट का कोई कमी नहीं है दोस्तों। टेम्पल काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल, सभी
पसंद आए लाइक करना मत भूलना।